अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल सर्जरी चैप्टर नंबर 3 और हमारा टॉपिक है एसेप्टिक टेक्निक्स एंड स्टरलाइजेशन। ठीक है, वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद डीकंटैमिनेशन। व्हाट इज़ डीकंटैमिनेशन? डीकंटैमिनेशन का बेसिकली मतलब ये है कि कहीं से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या अनवांटेड मटेरियल्स को कम करना। ठीक है, डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं या फिर सर्फेसिस से उनको बैक्टीरिया फ्री करना, दैट इज़ बेसिकली डीकंटैमिनेशन। ठीक है, अब इसके 3 टाइप्स होती हैं, क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, और वन बाय वन हम इनको डिटेल में करेंगे। व्हाट इज़ क्लीनिंग? क्लीनिंग जो है उसका एम ये नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है, मतलब मेन एम उसका ये नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि ब्लड जो विजिबल चीज़ें हैं, ठीक है, जिस तरह ब्लड है या कोई बॉडी फ्लूड्स हैं, टिश्यूज़ हैं, कोई पस है, कोई सॉइल है, डस्ट है, उन चीज़ों को हम जो फिज़िकली क्लीन कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली कैटेगराइज इन दिस टाइप। और इसमें क्या करते हैं कि हम वार्म वाटर आपने लेना होता है और साथ डिटर्जेंट, ठीक है, उससे बस हम वैसे क्लीनिंग कर रहे हैं कि कोई हमें सॉइल नज़र आ रही है, डस्ट है, ब्लड है, बॉडी फ्लूड्स हैं, जो विजिबल चीज़ें हैं उनको सिर्फ हम क्लीन कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स श्योरिटी नहीं है कि उनसे किल हो सकते हैं या नहीं। उसके बाद है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का जो एम होता है वो ये होता है कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही किल करना है, ठीक है, लेकिन सारे इससे किल नहीं हो सकते। कुछ बैक्टीरियल स्पोर्स ऐसे होते हैं जो कि इस प्रोसेस से भी किल नहीं हो सकते, तो फिर हम उससे स्टरलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। जो डिसइंफेक्शन होती है, बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस इंटेंडेड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब डिसइंफेक्शन की 3 टाइप्स होती हैं, लो, इंटरमीडिएट एंड हाई। ठीक है, लो का मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ओवरऑल नंबर है किसी भी एरिया में वो तो कम हो गया है, लेकिन कुछ स्पोर्स वगैरह, ठीक है, और इसके अलावा जो जिस तरह टीबी का जो होता है पैथोजन ट्यूबरकल बैसिलाई, वो किल नहीं होता, ठीक है, वो लो की कैटेगरी में आएगा। फिर इंटरमीडिएट में आ जाते हैं तो ज़ाहिर है उससे बेहतर वो किल कर सकते हैं, यानी कि ट्यूबरकल को भी वो किल कर देगा, वायरसेस को भी, फंजाई को भी, बट देन अगेन वो कुछ स्पोर्स को जो है किल करेगा और कुछ इस कैटेगरी में भी रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आती है हाई वाली टाइप, हाई डिसइंफेक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके ज़्यादातर माइक्रोस्पोर्स किल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ हद तक रह जाते हैं। मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन के आपके पास जो तरीके हैं वो केमिकल मेथड्स हैं और फिज़िकल मेथड्स हैं, ठीक है, इनके मेनली नाम आने चाहिए या फिर इनसे किन किन चीज़ को क्लीन किया जाता है और कैसे किया जाता है थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए। मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन में केमिकल और फिज़िकल है। जो केमिकल मेथड है उसमें हम यूज़ करते हैं अल्कोहल, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, 2% ग्लूटारल्डिहाइड जिसको साइटिक्स भी कहते हैं, और 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइड हम यूज़ करते हैं। अब अल्कोहल जो है उसका क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उसकी? बेसिकली ये है कि जब भी हमने आईवी लाइन पास करनी होती है तो उससे पहले स्किन के ऊपर एसेप्टिक मेजर जो हम फॉलो करते हैं वो उसमें अल्कोहल यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक कॉटन होती है उसको अल्कोहल में डिप करके हम पहले स्किन को क्लीन करते हैं और उसके बाद हम आईवी लाइन पास करते हैं ताकि सारे कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर ना हो सके। उसके बाद है कि जो अल्कोहल वाइप्स हैं वो किस किस चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, टेलीफोन्स, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप और जो लाइटली कंटेमिनेटेड चीज़ें हैं ना, जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे बैक्टीरियाज होने के चांसेस नहीं होते हैं, उन चीज़ों को हम आराम से अल्कोहल से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मल्डिहाइड। तो जो फॉर्मल्डिहाइड है उसके लिए हम ये करते हैं कि अगर हमें फॉर्मल्डिहाइड से क्लीनिंग करनी है तो जो भी हमारे इक्विपमेंट है उसको हमने फॉर्मल्डिहाइड के गैस के अंदर डिप करना है, ठीक है। बेसिकली एक एयर टाइट कैबिनेट होता है, 50 डिग्री के ऊपर हम उसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड गैस डाल देते हैं, उसका इतना टेम्परेचर आपने मेंटेन करना होता है। और ज़्यादातर जितने रिस्पायरेटरी थेरेपी के इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह इनेबलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, इनको फॉर्मल्डिहाइड से क्लीन किया जाता है। तो मेन बस आपको ये बताना चाहिए कि अल्कोहल को जिस तरह आईवी लाइन से पहले यूज़ करते हैं, ठीक है, और थर्मोमीटर और स्टेथोस्कोप के लिए क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड को रिस्पायरेटरी इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। आगे टेबल भी आएगा जिसमें मैं आपको एक बार समराइज़ भी कर दूँगी कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है। फिर है 2% ग्लूटारल्डिहाइड जिसको सीडिक्स भी कहते हैं। अब ये वाला फॉर्मल्डिहाइड के कंपैरेटिवली ये वाला, ठीक है, जो सीडिक्स है 2% ग्लूटारल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के कंपैरेटिवली 10 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ़ौरन से किल हो जाते हैं, और लेकिन कुछ स्पोर्स के अगेंस्ट वायरस की एफिकेसी कम होती है और ट्यूबरकल बैसिलाई को भी ये प्रॉपरली किल नहीं कर पाता। फिर जो अगला है 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, नाम से पता चल रहा है कि क्लोरीन इसके एलिमेंट में है ना, ठीक है, तो ये क्लोरीन रिलीज़ करता है और बैक्टीरिया के सेल वॉल को किल कर देता है, और इससे क्या होता है कि 30 से 60 सेकेंड के अंदर अंदर सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, फंजाई, वायरसेस वो किल हो जाते हैं, लेकिन ट्यूबरकल बैसिलस कैटेगरी में जो है वो किल नहीं हो सकता, ठीक है।
तो ये वाला जो प्रोसीजर है इससे हम क्रेडल्स को, फर्नीचर्स को या डिसइनफेक्टेंट बाथ्स को डिसइनफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं फिजिकल एजेंट्स में, तो फिजिकल एजेंट्स में दो चीज़ें हैं, लो टेम्परेचर स्टीम और बॉइलिंग वाटर। लो टेम्परेचर स्टीम में हमने क्या करना होता है कि 73 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम टेम्परेचर को, ड्राई सेचूरेटेड स्टीम होती है, ठीक है, उससे हम एक्सपोज करवाते हैं बैक्टीरियाज़ को, अपने इक्विपमेंट्स को, बेसिकली 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये जो लो टेम्परेचर स्टीम वाला पैटर्न है, ये तरीका ही हम यूज़ करते हैं जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम फिज़िकल एजेंट्स में स्टीम यूज़ करते हैं। इसी तरह जो बॉइलिंग वाटर है उसमें भी हमने सॉफ्ट वाटर वाला यूज़ करना है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स नहीं होते, और उसको भी ज़ाहिर 100 डिग्री पे बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होगा, 5 मिनट्स के लिए आप उसको जो है वो इक्विपमेंट्स को उसके अंदर डाल देंगे, तो वो भी एक तरीका काफ़ी इफेक्टिव होता है। उसके बाद आ जाते हैं स्टरलाइजेशन, ठीक है। स्टरलाइजेशन की थोड़ी सी हमने डिटेल में करनी है, इसकी जो टाइप्स बुक में लिखी हुई हैं। स्टरलाइजेशन जो है वो बेसिकली है कि अगर मैं आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो बाय डेफिनेशन द प्रोसेस डिस्ट्रॉयज ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग बैक्टीरियाज, वायरसेस, स्पोर्स एंड फंजाई, ठीक है। यानी जितने भी स्पोर्स हैं, बैक्टीरियाज, वायरसेस वगैरह, वो सब इससे किल हो सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट तरीके हम पढ़ेंगे जो स्टरलाइजेशन के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। हीट से हम किल कर सकते हैं, केमिकल्स हैं, इरेडिकेशंस हैं, इरेडिएशन सॉरी, इसके अलावा पर एसिटिक एसिड है, और बाकी हम मॉनिटरिंग वगैरह उसकी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हीट के ऊपर। तो जो हीट की कैटेगरी है उसके अंदर हम मॉइस्ट हीट भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई हीट भी यूज़ कर सकते हैं। जो मॉइस्ट हीट है उसमें हम ऑटोक्लेविंग करते हैं, ठीक है, और जो ड्राई हीट है उसमें हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। अगर थोड़ी सी इसकी मैं आपको डिटेल बताऊं तो जो मॉइस्ट हीट है उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं बॉइलिंग वाटर के अंदर हम उनको डाल देते हैं, ठीक है, उसका बेसिकली अंडर हाई प्रेशर हम इसको यूज़ करते हैं, और ऑटोक्लेव बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह, ठीक है। जिस तरह प्रेशर कुकर में क्या होता है कि हम उसको ऊपर से बंद कर देते हैं, अंडर हाई प्रेशर मेंटेन होता है, टेम्परेचर भी वहाँ ज़्यादा होता है नॉर्मल से, यानी 120 डिग्री होता है कुकर में। तो यहाँ पर भी क्या है कि आपने जो टेम्परेचर अचीव करना है वो उन्होंने लिखा हुआ है कि 121 डिग्री का पहले टेम्परेचर अचीव करते हैं फॉर 15 मिनट्स, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि 134 तक भी हम जा सकते हैं जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं। बेसिकली उन्होंने प्रेशर के अकॉर्डिंग बताया कि पहले 15 पाउंड प्रेशर के लिए 121 होगा, जैसे नॉर्मल प्रेशर कुकर में होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें प्रेशर अंदर वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो आपका जो टेम्परेचर है वो भी वहाँ पे वाटर 100 डिग्री पे बॉइल नहीं करता, 120 पे बॉइल करता है प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पे भी इस तरह से कि आपने ऑटोक्लेव के अंदर प्रेशर बढ़ाते जाना है, तो आपका टेम्परेचर जो हाईएस्ट आपने अचीव करना है वो 134 डिग्री है, ठीक है, और हाईएस्ट जो प्रेशर है वो 30 पाउंड है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं या हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं वो सारे इससे किल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ड्राई हीट पे। अब जो ड्राई हीट है ना उसको हम कहते हैं स्टरलाइजेशन बाय हॉट एयर ओवन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि हमने इसमें हॉट एयर को यूज़ करना है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके कटिंग एजेस होते हैं, ठीक है, उनको हम ड्राई हीट से साफ़ करते हैं, और इसमें बेसिकली टेम्परेचर अप टू 180 डिग्री तक भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, हीट में ये आ जाएगा। फिर केमिकल्स आ जाते हैं, तो केमिकल्स में आपके पास मैंने एक लिखा है इथाइलिन ऑक्साइड है, 2% ग्लूटारल्डिहाइड और कॉम्बिनेशन ऑफ लो टेम्परेचर स्टीम एंड फॉर्मल्डिहाइड। अब जो इथाइलिन ऑक्साइड है ना, इथाइलिन बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग गैस होती है, लेकिन ये नॉन कोरोसिव है, ज़ाहिर इतनी डैमेजिंग नहीं होती, ठीक है। तो इससे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट, जिस तरह लेंसेज हैं, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, स्यूचर्स हैं, ठीक है, या सिंगल यूज़ आइटम है जिनको आपने बाद में यूज़ नहीं आप कर सकते, उनको क्लीन करने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करते हैं। उसके बाद है 2% ग्लूटारल्डिहाइड, वो बेसिकली एज अ डिसइनफेक्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक्सपोजर टाइम हम उसका इंक्रीज़ कर दें तो क्या होता है कि स्टरलाइजेशन के लिए भी उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। मींस कि ये हमने उसमें भी पढ़ा था ना डिसइनफेक्टेंट की कैटेगरी में, लेकिन अगर इसी को हम ज़्यादा टाइम के लिए देते हैं तो वो फिर स्टरलाइज भी कर सकता है चीज़ों को। अच्छा, उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ लो टेम्परेचर स्टीम एंड फॉर्मल्डिहाइड, कि आपने ड्राई सेचूरेटेड स्टीम भी यूज़ करनी है और उसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड भी डाल देना है। इसका बड़ा फ़ायदा है कि स्टरलाइजेशन आपकी ऑलमोस्ट 73 डिग्री पे यहाँ पे होती है, ठीक है, और ये वाला मेथड सुटेबल है हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए या फिर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे जिनमें प्लास्टिक के कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद अगला तरीका स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन, जिसमें हम गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं, आपके जितने सिरिंजेस हैं, कैथेटर्स हैं, आईवी कैन्यूलास वगैरह हैं, ठीक है, उनको हम इससे क्लीन कर लेते हैं। फिर स्टरलाइजेशन बाय पर एसिटिक एसिड, यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर ज़ाहिर स्पोर्स बैक्टीरियाज वगैरह इनके लिए किल करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खास टेक्निक है जिसको हम कहते हैं रूम टेम्परेचर वेपराइज पर एसिडिक एसिड VPA, ठीक है। एक प्रेशराइज चैम्बर हम क्रिएट करते हैं और उस चैम्बर में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और उसके अंदर हम लोग एसिडिक एसिड डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि डायरेक्टली आपके भी जितने भी हमने चीज़ें क्लीन करनी है वो उसके अंदर इंजर्ट कर देते हैं, तो वो साफ़ हो जाती हैं, ठीक है।
और इसके अलावा है मॉनिटरिंग ऑफ स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन की मॉनिटरिंग किस तरह से करते हैं कि एक हीट सेंसिटिव स्ट्रिप होती है वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डाल देते हैं। अगर तो इंस्ट्रूमेंट अपना कलर चेंज कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जिस टेम्परेचर पे अपना कलर चेंज करेंगे यानी उनको वो टेम्परेचर रिक्वायर है स्टरलाइज करने के लिए, तो हम ये चेकआउट कर सकते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट को कितना टेम्परेचर चाहिए। अब कुछ स्टरलाइजेशन के मेथड्स बताए हुए हैं टेबल में, वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि बुक में मेंशन है, और वो तीन डेफिनेशंस हैं एसेप्सिस, एंटीसेप्सिस और एंटीसेप्टिक्स। एसेप्सिस का मतलब है मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग कंटेमिनेशन ऑफ वुंड एंड अदर साइड्स मेंशनिंग दैट ओनली स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्लूइड्स कम इनटू कांटेक्ट विद देम, यानी हमने वुंड की कंटेमिनेशन करनी है, ठीक है, और वुंड की कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना है, ठीक है, यानी कि कोई सिर्फ स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स या फ्लूड्स ही बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो ये होती है एसेप्सिस। एंटीसेप्सिस का मतलब ये है कि डिफरेंट सोल्यूशंस यूज़ करने हैं, जैसे आयोडीन है या अल्कोहल है जो कि हम डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक्स का मतलब ये है ऐसे केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्किन के ऊपर भी किल करेंगे एज वेल एज बॉडी के अंदर भी, ठीक है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के लिए भी, तो वो एंटीसेप्टिक्स की कैटेगरी में आएंगे। इसमें अल्कोहल है, आयोडीन है। अच्छा, उसके बाद एक टेबल उन्होंने बताया है कि वही रिव्यू है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को कौन कौन से मेथड से हमने क्लीन करना है। अच्छा, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ड्रेसिंग मटेरियल्स हैं और ग्लव्स हैं उनको हम स्टीम से क्लीन कर लेते हैं, जिस तरह मैंने ऑटोक्लेविंग का बताया था, कि थीटर्स हैं, स्ट्रिंजिस हैं, आईवी कैन्यूलास हैं या फिर ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गामा रेज या हॉट एयर से कर सकते हैं। प्लास्टिक के जो हीट सेंसिटिव होते हैं उन्हें इथाइलीन ऑक्साइड से करते हैं। जो एंडोस्कोपिक ट्यूब होती है उन्हें पार एसिटिक एसिड से करते हैं। पेशेंट की स्किन को पायोडीन से, अल्कोहल से या डिटोल से क्लीन करेंगे। आर्टरी फोर्सेप्स हैं, क्लैम्स हैं, नीडल होल्डर जो शार्प है जिस जिन चीज़ों के होते हैं उनको हम स्टीम से क्लीन करते हैं, ठीक है, लेकिन अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। थर्मोमीटर्स और स्टेथोस्कोप के लिए स्टार्ट में मैंने आपको बताया था अल्कोहल से क्लीन करते हैं, और रिस्पायरेटरी वाले इक्विपमेंट्स को हम फॉर्मेल्डिहाइड से क्लीन करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू एसेप्सिस इन ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, कि नॉर्मली ऑपरेशन थिएटर में किस तरह से एसेप्सिस मेंटेन की जाती है, और अगर हाई रिस्क पेशेंट्स हैं तो उनमें क्या क्या मजीद एहतियात हमें करना होगा। पेशेंट, सबसे पहले तो पेशेंट प्रिपरेशन की एक कैटेगरी आती है, ठीक है, कि पेशेंट को हम प्रिपेयर करें तो उसमें कौन कौन सी एसेप्टिक टेक्निक्स आपने फॉलो करनी है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे हमने प्रिपेयर करना है, ठीक है, सर्जन ने खुद किस तरह से प्रिपेयर होना है और क्या क्या सर्जिकल टेक्निक्स फॉलो की जाएंगी, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो पेशेंट प्रिपरेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट को हॉस्पिटल की वजह से भी कोई इन्फेक्शन लग सकता है, ठीक है। उन्होंने एक बात लिखी हुई है कि जो हॉस्पिटल स्टे के विद इन 72 आवर्स को इन्फेक्शन अगर होता है तो उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ इंश्योर करानी चाहिए कि पेशेंट प्रिपरेशन क्लीन होनी चाहिए। इसमें आपके पास 3-4 चीज़ें आती हैं, एक तो शॉवरिंग है, ठीक है, कि प्री ऑपरेटिव आपने पेशेंट को कहना है कि वो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, ठीक है, प्रॉपरली क्लीन करते हैं ताकि वुंड इन्फेक्शन ना हो सके। शिफ्ट, जब पेशेंट को हम शिफ्ट कर रहे होते हैं तो उसको क्लीन गाउन पहनाना है, आपने क्लीन बेड के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, और ट्रॉली भी क्लीन होनी चाहिए। फिर शेविंग का ये है कि प्री ऑपरेटिवली हेयर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑपरेशन के दौरान वो इंटरफेयर कर सकते हैं तो उसको फिर यूज़ कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन उसमें भी उन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रिकल क्लिपर्स को यूज़ करना चाहिए, कि जो जो रेजर शेविंग होती है ना उससे सर्जिकल साइड इन्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, तो क्लिपर्स यूज़ करने चाहिए। उसके बाद है पेंटिंग एंड ड्रेबिंग, जो क्लीन ड्रेबिंग करते हैं पेशेंट की पायोडीन के साथ स्किन की, वो वाली भी इंश्योर करवानी चाहिए, ठीक है, और डिफरेंट स्पॉन्जेस जो हैं इसके लिए यूज़ करने चाहिए। उसके बाद है प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स जो हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है, और इसके अलावा है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आपने कैसे क्लीन करना है वो हमने पीछे सारे तरीके पढ़ लिए हैं, ठीक है, कि हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। सर्जन ने कैसे प्रिपेयर होना है, हैंड वॉशिंग, ठीक है, वो प्रॉपरली हैंड वॉश करेगा, और ग्लव्स जब वो सर्जिकल ग्लव्स यूज़ करेगा, ठीक है, ज़ाहिर है उससे भी इन्फेक्शंस वगैरह के चांसेस कम होंगे, और 2 pairs ऑफ ग्लव्स पहनना जो है वो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि वो ग्रेटर प्रोटेक्शन देता है। फिर मास्क एंड हेयर कैप भी एसेंशियल होते हैं, और सर्जिकल गाउन्स जो होते हैं वो भी सर्जन के लिए एसेंशियल है, ठीक है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर, के ऑपरेशन थिएटर को ज़ाहिर इमरजेंसी से, सर्जिकल वार्ड से या रेडियोलॉजी वगैरह से करीब होना चाहिए। डबल डोर एंट्रेंस होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने के लिए 2 doors होने चाहिए एग्जिट होने के लिए, ठीक है, और एक डर्टी एरिया को डिजिग्नेट कर देना चाहिए कि यहाँ पर कंटेमिनेशन है, तो वहाँ पर कोई वार्निंग साइन वगैरह लगा देना चाहिए। और बेसिकली जो पोस्ट ऑपरेटिव बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ना वुंड इन्फेक्शन, वो यही है कि कितने थिएटर की एयर के अंदर बैक्टीरियाज होंगे उतना ही ज़्यादा कॉमन है,
तो उन्होंने लिखा है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो कैरी करते हैं वो थिएटर के जो टेक्नीशियंस होते हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं या जो आउटडोर पेशेंट्स होते हैं वो कैरी करते हैं, ठीक है। तो एयर को हमने कैसे साफ करना है थिएटर के एयर को, उसके लिए एक चीज़ होती है टेक्निक कि लैमिनर फ्लो होना चाहिए। लैमिनर फ्लो का मतलब है कि जो एयर है वो सिर्फ ऑपरेशन थिएटर से बाहर की तरफ ही जाएगी, बाहर वाली अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये टेक्निक खैर कहीं कहीं फॉलो होती है। उसके अलावा सर्जिकल टेक्निक्स, तो अगर टिश्यू हैंडलिंग ठीक नहीं है या फिर आपने ब्लड को फ्लो को सही तरह से कंट्रोल नहीं किया, ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है, तो उससे भी ज़ाहिर है वहाँ हीमाटोमा वगैरह बन जाएगा या नेक्रोसिस वगैरह होनी शुरू हो जाएगी। तो सर्जिकल टेक्निक्स भी हमने सही फॉलो करनी है। उसके बाद है सर्जरी इन हाई रिस्क पेशेंट्स। अगर हाई रिस्क पेशेंट्स हैं तो उनके लिए भी ज़ाहिर है वो सब चीज़ें आपने करनी है, जिस तरह हमने पीछे सारा पढ़ लिया कि प्लास्टिक एप्रन डबल। हाई रिस्क पेशेंट बाय द वे कौन से होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है या HIV के पेशेंट्स हैं, उनकी अगर सर्जरी हो रही है तो आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी फॉलो करनी है, ठीक है। कि अगर कोई मेंबर है स्टाफ का जो कि कांटेक्ट में हो गया पेशेंट के साथ, तो उसने प्लास्टिक एप्रन पहनना है, डबल ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है। इसी तरह डिस्पोजेबल गाउन्स और जो ड्रेबिंग होती है वो एसेंशियल होती है, बूट्स पहने होने चाहिए रादर देन ओपन शूज़, ठीक है। और बाकी क्या क्या बातें हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा केयर होनी चाहिए। राउंड बॉडी नीडल्स को प्रेफर करते हैं, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स का पैसेज है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं वो हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र नहीं होने चाहिए, ठीक है, एक डिश के थ्रू इनडायरेक्टली जो है वो सर्जन को देने चाहिए। और अगर पेशेंट वार्ड में है तो डिफरेंट, अगर बॉडी फ्लूड वगैरह डिस्चार्ज हो रहा है या ओपन वुंड है तो उसको आपने प्रॉपरली हैंडल करना है, वो भी ग्लव्स वगैरह पहन के, ठीक है। तो ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप देख लें कि हाई रिस्क पेशेंट्स में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीडल ब्रेक इंजरीज, ठीक है। नीडल ब्रेक इंजरीज ये होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव था और वहाँ से जो है इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो गया सर्जन को, अगर उसने प्रॉपर सारी टेक्निक्स फॉलो नहीं की तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए दो ऑप्शंस हैं, अगर तो वो सर्जन पहले वैक्सीनेटेड नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसको हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, वो देनी है, और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दोनों देनी है बट एट डिफरेंट साइट्स, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन में तो ज़ाहिर एंटीबॉडीज़ होंगी और एक आपने एक्टिव वैक्सीन देनी है, लेकिन बॉडी में दोनों डिफरेंट जगह पर देनी है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन जो हैं वो आपने कोशिश ये करनी है कि विद इन 7 डेज ऑफ एक्सपोजर आपने दे देनी है, ठीक है। और अगर सर्जन वैक्सीनेट हुआ हुआ है पहले अगेंस्ट हेप बी और उसका फिर आपने एंटीबॉडी लेवल कराना है, ठीक है, अगर एंटीबॉडी लेवल उसका 10 mL/mL से ज़्यादा है तो तब उसको कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं है, लेकिन अगर उससे कम उसका लेवल है तो तब जाहिर है आपने उसको इम्यूनोग्लोबुलिन दे देनी है और साथ एक्टिव वैक्सीन की भी एक डोज दे देनी है, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट जो इम्यूनाइजेशन अभी तक कोई उसकी रिकमेंडेशंस नहीं है, और HIV के अगेंस्ट जो मेजर्स है वो हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3 एसेप्टिक टेक्निक्स एंड स्टरलाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में इतना ही आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ मोर देन इनफ, थैंक यू।